अलग डिस्ट्रिक्ट है दौसा, वहाँ से आप यहाँ से हो इंदौर? अच्छा, खड़ा करता हूँ, गिर जाएगा बच्चा है, पानी है यार, कर दे वीडियो, अच्छा आ रहा है फोटो, अच्छा आ रहा है, एक जगह रहो। अब लगा पानी में। हाँ। ये देखो पानी। लो। नहीं। चल ऐसे ही बना। पढ़ मत जाजो। नितान्या। आ जाओ, आ जा नितान्या, नीचे नीचे भी होता है। इधर देखो ना, कहीं तक टिकट चेक करवा लिया क्या? नंबर ऊंट की सवारी हो रही है। अब नहीं आ रहे, बार तो यहाँ पर अब शाम को बजेगा शायद यार, जैसे शाम हो रही है सब में। ये लोहार का काम करता दिखे, तो के कैसा लगा ऊंट की सवारी करके? कहता कैसा लगा? मैं भी को बैठा करे ऊंट के यार। राजस्थान में ऊंट फेमस है, चेन्नई वाले कहते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन हम ऊंट की सवारी राजस्थान में नहीं करे, पहली बार चेन्नई में करे। ये देखते हैं इनके किस्म है भाई साहब की कितनी ताकत है। अरे यार बहुत तड़का यार है। अरे शाबाश, कैसे तो मुश्किल उठेगा भाई। ये कह रहे हैं भाई साहब कि आपसे नहीं उठेगा, भाभी जी ने उठा दिया है। और अभी ये आए पहलवान, कहता मैं मारूंगा, लो मेरी बना रहा। लो लो ओके ओके, ये ज्यादा बस है। मैंने खूब। और अब लेते हैं चाय पकौड़ी का नाश्ता। कुछ लोग हमारे ही आ गए हमसे नाश्ता लेने में। टिकट चेक हो रहा है, तो सोच रही दो बार ले लूंगी पकौड़ी है ये तो। ये तो यहाँ पे जैसे ही नाश्ता मिलता है तो टिकट मार्क कर देते हैं भाई आप इसमें आ चुके हो।
सीढ़ी हो रही है आगे चलते बनो भाई। और बराती नाश्ता ले रहे हैं अभी नाश्ते में भी है बराती। तो यहाँ पे मिल रही है चाय और पकौड़ी कोफ्ता वगैरह का नाश्ता। और अब लाइट ऑन हो चुकी है, शाम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है। तो देखिए लाइट के बाद कैसा नजारा दिखता है यहाँ पे। लाइट के बाद और भी शानदार लग रहा है। फैमिली आई है वो डांस करेगी इसमें देखना। तो हमारी नितान ने व्यूअर यहाँ से कौन सा पैसा लेते होंगे। महाकाली ज्योतिष हाथ रख हाथ रेखा। नितान अच्छी आ रही है लोगो साइड। यहाँ पे डीजे बज रहे हैं, देखिए बैल आ रहा है भाई ऑक्स। बैठा कहीं था ऊंट सवारी कर ली, घोड़ा सवारी अब बैलगाड़ी। बैठिए उधर आएगी जब बना लेना, माहौल ज्यादा रहेगा। यहाँ रॉयल पंजाब गुजरात राजपूताना सनी मौसम देखा मैं रील चला ही नहीं को तैयारी में राजस्थानी हुक्का है भाई साहब। उसको पहले तो नहीं खींचा हुक्का और यार पटेल तो नहीं बढ़ाएंगे तू। आई डोंट नो दिखाओ हाँ उधर से आइए सामने से।
के साथ हुक्के के साथ ये कौन निकली यार धवा को आए यार तम्बाकू कमजोर है क्या पी वाला कमजोर है आई थोड़ी सी आई और ज्यादा आएगी भाई साहब एक साल ये देखो ये है प्योर पीने वाले के बाद नाक में से निकाल दी इन्होंने तो नजदीक नजदीक बैठो पास पास में बैठो अब इधर देखो तीनों दवा ए दवा निकाल ये पानी खींच जा कोड़े निकाल दी हल्की सी निकाल दी आ जाओ अलग अलग चीजों के लिए बनाया हुआ है तो जो भी सब पैसे वगैरह उसमें इंक्लूड है और यहाँ पे रबड़ी मिल रही थी राबड़ी तो फिर हम लोग बीच में राबड़ी पीने के लिए आ गए थे बाजरे की राबड़ी थी बहुत टेस्टी थी बहुत अच्छी राबड़ी बनाई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा नितान्या को भी हमने पिलाया था उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगी अभी मेहंदी लगवाने के लिए तो देखो हम आ गए हैं लाइन से बैठ चुके हैं एक भी लेडीज थी जो मेहंदी लगा रही थी और सबके लगा रही थी बहुत स्पीड में भी लगा रही थी तो मैं भी बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए और ये गुड़िया कैसी लगाई थी और मैं भी लगवा रही थी कि अच्छी लग रही थी फिर एक निशानी सी है गिफ्ट सा है जो हम लेके जाएंगे घर पर तो मैंने लगवा ली थी मैं आपको अभी आपको दिखाती हूँ मेरे हाथ में कैसी मेहंदी लगाई है फिर आप लोग बताना कैसी लगी आप सबको ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी और बहुत जल्दी लगाई थी बहुत जल्दी सो हमें बहुत पसंद आई हम लोग मैंने उल्टे हाथ में लगवाई थी तो फिर मेहंदी को सुखाने के लिए अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसमें बार बार में फूंक मारेंगे तो अभी हमने पूरा जो है चौकीढ़ानी घूम लिया है और अभी हम लोग खाने की जगह आ चुके हैं तो यहाँ पे खाना है अंदर उसकी व्यवस्था की जा रही है तो हमको थोड़ी देर वेट करने को कहा था इसलिए हम लोग बैठ चुके हैं और वही जो राजस्थानी कल्चर में बैठक के रूप में खाया जाता है ना नीचे बैठ के खाया जाता है टेबल पे कुर्सी वगैरह वाला खाना नहीं है तो बैठक के रूप में ही हम लोग खाना खाएंगे नीचे बैठ के और मैं तो घर पे भी वैसे ही खाती हूँ मुझे वैसे ही आदत है सो देखो हम लोग ये बैठ चुके हैं और चौकी जो आगे रखी है इन पे पत्तल वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी वैरायटी की 5 तरह की सब्जी थी और रायता था और रोटी पूड़ी बाटी चूरमा सब था शरबत वगैरह भी थे तो बहुत सारा मज़ा आया वेजिटेबल सूप था बहुत सारी चीज़ें वैरायटी थी खाने की तो हमें खूब सारा मज़ा आया और हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी लास्ट में जो आइसक्रीम है वो भी हमें खाने को मिली थी तो हमें बहुत मज़ा आया और ये भैया ने बहुत अच्छे से सबको परोसकारी करी और नितान्या को भी संभाल रहे थे क्योंकि नितान्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो एक भैया जो है नितान्या को बार बार बैठने को कह रहे थे Thank you.
आई लव फोन एंड पैक बाली मौसम बोड़गी मुंडो हाँ आती आती जानता है खूब और अब हम आ चुके हैं जहां से हमने एंट्री करी थी वहीं से दोबारा बैक जा रहे हैं रिटर्न। ये देखिए जो मेन डोर था अंदर से इस टाइप से दिखता है। बजाइए सैदान माना कदरदान कहा के महाराज राम राम जी राम राम जी। बहुत खूब बहुत बढ़िया राम राम भाई साहब राम राम। और ये हमारी बस है जो खड़ी हुई है यहाँ पे। काफी अच्छा रहा हमारा सफर। लास्ट में आइसक्रीम अभी तक खा रहे हैं भाई साहब। जूम कर करके लेने पड़ते हैं इस लोगों की पावरफुल। ड्राइवर ये कह रहा है